अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माँ जी के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज माँ जी आपको बनाना सिखाएंगी अरवी चिकन। तो माँ जी अब आपको रेसिपी बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या रेसिपी रखी है। ये मैंने अरवी रखी है, धनिया और मिर्चें और चिकन ऑयल है, ये दही का दही है, ये भी डालेंगे। और ये है लहसुन अदरक की पेस्ट बना लेंगे, ये प्याज ग्राइंड की है, और ये है मिर्च। ये जितनी आपने डालनी है ना अपने हिसाब से डालें, हल्दी, अजवाइन, सूखा धनिया, जीरा, मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डालें। अब आपके सामने मैं बनाती हूँ कैसे बनाऊँ। अब ये ऑयल डालती हूँ मैं, बिस्मिल्लाह। अब ऑयल डाल के ना वो चूल्हा बंद करूँगी, ऑयल गर्म होएगा फिर इसमें मैं डालूँगी नमक मिर्च मसाले। नाज़रीन ऑयल गर्म हो गया, इसमें मसाला ज़्यादा डालने लगी हूँ मैं। आप अपने तरीके से बनाएं, मैं इस तरह बनाती हूँ, मेरा तरीका ये है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ब्राउन हो गई मिर्चे, अब इसमें मैं दही डालूँगी, मेरा तरीका और है बनाने का, आप जैसी मर्जी बना लें। ये दही डाली है, अब ये दही को ब्राउन करूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी फिर मैं ये प्याज डाल दूँ, लहसुन। ये प्याज मैंने ग्राइंड किए हुए हैं, अब ये दही देखें ब्राउन हो गई है, मिर्च मसाला भी ब्राउन हो गया मेरे मिर्च। अब मैं इसमें ये डालूँगी प्याज ब्राउन किए हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जितनी मर्ज़ी डालूँ। अब इसको मैं ब्राउन करूँगी अच्छी, ये ब्राउन हो जाएगा ना फिर मैं चिकन डालूँगी। दोबारा कहना मियाँ। ये देखें मसाला ब्राउन हो गया, अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ ये डालूँगी, ये डाल के ना थोड़ा सा ब्राउन करना है चिकन डालना। अब ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, ब्राउन हो गया और कितना प्यारा कलर आ गया, बहुत ही प्यारा लग रहा कलर। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी, ब्राउन देखो कितना प्यारा हो गया और कलर कितना अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें चिकन डालूँगी, बिस्मिल्लाह। अब इसको ना इसको 10 मिनट में भूनूंगी, 10 मिनट, इसके बाद फिर अभी डालूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया माशाल्लाह, कलर देखे कितना प्यारा। दस मिनट भूनूंगी इसको मैं अच्छी तरह से, उसके बाद फिर अड्डी डालूँगी, पानी डालूँ, अड्डी डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी, ग्रेवी जितनी चाहिए उतनी बना लूँ, जितनी आपको पसंद है। नाज़रीन ये देखो कैसा भुजी है, अच्छी तरह से डाल दिया चिकन, और कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें मैं अड्डी डालूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट भून के फिर पानी लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अरवी डाली है ना, 2 मिनट भून के फिर शोभा लगा दी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है चिकन का, भून के ना अरबी को फिर पानी लगा देना जितना आप चाहे ग्रेवी बना लें, ठीक है। थोड़ी सी अरबी मैंने भूनी 5 मिनट से, कितना प्यारा कलर आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लैदा हो गया, अब समझ लो भूज के ही है,
इसका मतलब कि ये लायदा हो जाए ना, समझो पूछ गई। बिस्मिल्लाह, आप इसमें मैं पानी डालेंगे, जितना चाहिए उतना डालें, ग्रेवी बनाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अब अरबी चिकन बिल्कुल तैयार होने 5-10 मिनट में हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब इसको ना ढकना दे के रखेंगे ताकि ये ना अच्छी तरह से गल जाए, अरबी थोड़ी सी गल जाए। फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब देखें नाज़रीन कितना प्यारा कलर आ गया, अरबी चिकन पक गया है ना माशाल्लाह। आप ही अपने तरीके से पकाए, मैंने अपने तरीके से पकाया, ले देखे कैसा कमाल लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। अब इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब धनिया थोड़ा सा, देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पक गया खाना, बहुत मज़े मज़े का लग रहा है। आपको भी लग रहा है, आप भी कमेंट करके बताएं कि मज़े का लग रहा है कि नहीं। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आपकी भी खैर, आपके पास बच्चों की खैर, मेरे कारोबार की खैर, मेरी रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह ताला आपको खुला दे, कभी कोई परेशानी ना आए, और मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, और मैं लंगर पका भी रहा, खुशी ना मान ली, मुझे शौक है बांटने का, सबकी मदद से मैं लंगर जरूर बांटूँगी। मुझे बहुत शौक है, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।